शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड के सामने महाकाल होटल के कमरे में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि युवक की मौत का मामला तब सामने आया जब चेकआउट के दौरान युवक को बुलाया गया, लेकिन युवक बाहर नहीं आया तो होटल वालों ने अंदर गेट खोल कर देखा तो युवक की लाश पलंग पर पड़ी हुई मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। जानकारी के अनुसार पीयूष पेंडलवार पुत्र के पी पेंडलवार उम्र 36 साल निवासी बाबा तालाब सतना 4 दिन पहले शिवपुरी मजदूरी करने आया था और 4 दिन से महाकाल होटल में रुका हुआ था। रात को खाना खाने के बाद जब युवक सोया तो सुबह चेकआउट के दौरान युवक को बुलाया गया तो युवक नहीं आया, जिसके बाद होटल के कर्मचारियों ने युवक के कमरे में जाकर देखा तो युवक की लाश पलंग पर पड़ी हुई मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक के घर वालों को सूचित कर दिया है। शाम तक मृतक के घर वालों के आने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली थाने में पदस्थ SI रामेश्वर सिंह का कहना है कि युवक के शव का PM कराने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, उसके आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, आप होटल के कौन है? ये जो लाश मिली है क्या कुछ ये कैसे क्या किसकी क्या है? सर ये वो आया था रूम का, वहाँ से रूम खाली करके बोला था, मैं दूसरा रूम उसी के बाद सुबह आकर अभी आए 12 बजे रहता है तो 12 बजे आप लोग इससे पहले जब कार्बन लगा सर, ये होटल के एक रूम में एक लाश मिली है युवक की, क्या कुछ पूरा मामला है? ये व्यक्ति सतना का रहने वाला है, यहाँ 13 तारीख को आया था। इनका ये कहना है कि मजदूरी करता था, रात में 9 बजे जगह था, इसमें खाना भी खाया था, तो मैंने उसको चेकआउट के लिए बुलाया था इसलिए जगह, तो जांच कर रहे जो भी परिस्थितियाँ होंगी देखेंगे। कितने दिन पहले यहाँ पे आया था? 13 तारीख को आया था, इनका कहना है होटल वालों को। और सर घर वालों को सूचना वगैरह? घर वालों को सूचना कर दी अपन ने, मेयर को सतना कंट्रोल को बता दिया, मेयर आने 3 साल से बात हो गई, घर वाला खबर कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है सर देख कर? अभी तो आप ये बात नहीं है, अभी तो पता नहीं है।